साढ़े को आज तक शफा तो किसी को नहीं मिली, पर जब तेरी इज्जत है तो फिर सीधा आ जाए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अज जिहड़ी फिल्म लैके मैं तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहा, उस फिल्म का नाँ है भंगड़ा। फिल्म भंगड़ा 5 फरवरी 1991 रिलीज़ होने वाली एक कामयाब फिल्म सी। ये फिल्म तुहानू यूट्यूब ते नहीं मिलेगी। अदाकार सुल्तान रही, अंजुमन, हुमायूं कुरैशी, बहार बेगम, नगमा, नसरुल्ला भट्ट, अल्ताफ खान, हदायत इम्तियाज कुरैश, प्रोड्यूसर अशोक हुसैन, अमर मलिक, मुसनिफ नासर अदीब, म्यूजिक वजाहत अत्रे। फसल ते तनाजे ते फतेह शेर दा छोटा भाई कतल हो जाता है। पूरे ग्रां सोग दा ऐलान कर दिता जाता है। नहमत सरदी जिहड़ा कि सबका फौजी होंदा है, फतेह शेर की फसल नू आग लगा देता है। इस तरह से फतेह शेर नहमत सरदी नू कतल कर देता है। राबिया नगमा धीनू लैके पिंड विचू निकल जाती है। पूरे ग्रां सोग का ऐलान कर दिया जाता है। पिंड विच ईद मिलादन नबी का जशन ते चिरागा हो रहा होंदा है। गामू आसफ खान चौधरी के गुंडिया नू मारदा है, क्योंकि गुंडे उन्हें चिराग जलाने तो मना कर देन। फतेह शेर हुमायूं कुरैशी नू गुस्सा आ जाता है। वह पिंड ते हमला कर देता है। गामू की बीवी साबरा एक बच्चे नू लै के निकल जाती है। फतेह शेर गामू के पुत्र नू कहता है कि अगर तू भंगड़ा ना पाया तो मैं तेरे प्यो नू कतल कर देंगा। गामू का पुत्र भंगड़ा पाँदा है और नचद्या नचद्या अपनी यादाश्त खो देता है। शरफू सावन गामू के वड्डे पुत्र नू अपना पुत्र बना लैंदा है ते उसका नाम कालू रख देता है। कालू पहला कतल खानू बदमाश नसरुल्ला भट्ट के पुत्र नू करदा है और गिरफ्तार हो जाता है। कालू 5 साल बाद जेल तो रिहा हो जाता है। अंजुमन ने इस फिल्म में माखो का किरदार अदा किया है। कालू सुल्तान राई और माखो अंजुमन का रिश्ता होने ते जग्गा जहर शाह और कालू सुल्तान राई की आपसी दुश्मनी हो जाती है। जग्गा और कालू की लड़ाई होती है। पुलिस कालू ने गिरफ्तार कर लेंदी है। साबरा बहार बेगम कालू की जमानत करवाती है। डिप्टी तंजीम हसन साबरा का बेटा होंदा है। माखो के कहते साबरा कालू की जमानत करवाती है। माखो नगमा राबिया की बेटी होंगी है। राबिया के कहते कालू कोट मिठन फतेह शेर के पिंड जाता है और खानू बदमाश नसरुल्ला भट्ट के बेटे को अगवा कर लेंदा है और 20 लाख रुपये तावान का मुतालबा करता है। खानू बदमाश कहता है कि मेरे पुत्र नू कतल कर दे, क्योंकि ये तेरे को शिकस्त खा गया है। कालू यह गल सुन के उसनू माफ़ कर देता है। फतेह शेर कालू दे घर ते हमला कर देता है और राबिया नगमा नू यरगमाल बना के शरफू सावन नू पिंड विच नचवांदा है और बाद विच अगवा कर लैंदा है। कालू पेस बदल के आंदा है और फतेह शेर नू यरगमाल बना लैंदा है। यरबार बुलाने तो बाद माखो भी आ जाती है ते एक सुरख जोड़ा फतेह शेर के पुत्र नू पवा दे दी है। कालू सुरख जोड़े च फतेह शेर के पुत्र नू अगवा कर लैंदा है और बाद जदों फतेह शेर का पुत्र कालू की मिन्नत समाजत करता है तो कालू उन्हें माफ़ कर देता है। फतेह शेर नू साबरा बहार बेगम के ठिकाने का पता चल जाता है। फतेह शेर कालू नाल सुलह कर लैंदा है और थाने जाके डिप्टी तंजीम हसन नू कालू के खिलाफ भड़कांदा है। डिप्टी कोट मिठन जाता है। कालू नाल लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान माँ आ जाती है। माँ दोनों रोकती है। माँ के कहते कालू रुक जाता है। डिप्टी कालू नू छुरी मार देता है। बहादुर मैदान च कल्ले क्यों होते हैं? कल्ला गैरतमंद पुत्र 100 बगैरत पुत्रा को चंगा होता है। माँ डिप्टी ते गुस्से होती है कि तू मेरी आवाज सुन के क्यों नहीं रुकिया। राबिया नगमा माखू नू दसदी है कि फतेह शेर इस दे प्यो का कातिल है।
फतेह शेर लड़ाई तो बाद माखू नू अगवा कर लेंदा है। माखू आजाद होकर हानू नू कतल कर देंदी है। साबरा वापस कोट मिठन आ जाती है। डिप्टी नू पता चल जाता है कि फतेह शेर इसके प्यो का कातिल है। वो फतेह शेर की तरफ जाता है। कालू नाल लड़ाई होंदी है। फतेह शेर डिप्टी नू यरगमाल बना के साबरा को पंगड़ा पवाद्द। इस दौरान कालू की यादाश वापस आ जाती है। सब नू मारन तो बाद फतेह शेर नू उसे मुकाम ते लै जांदा है और पंगड़ा पवाद्द जिथे उसकी माँ ते खुद कालू ने पंगड़ा पाया होंदा है। पंगड़ा पाण तो बाद फतेह शेर नू कतल कर देंदा है। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे ते मेरे चैनल नू लाइक सबसक्राइब ते शेयर कर दिओ।